पे मार्केट में सेल ऑफ ऐसे हो रहा है जैसे कि गिरती हुई छुरी, इट्स अ फॉलिंग नाइफ, पकड़ा नहीं जा रहा है, बॉटम नहीं मिल रहा है और ये होना ही था। इतना अंधा पैसा, अगर फैक्चुअली देखा जाए इतना अंधा पैसा गया कोरोना में जब कुछ काम नहीं हुआ, तो इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी थी। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम मार्केट में पैनिक सेल ऑफ देख रहे हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ क्या रहा। निफ्टी का मैंने जैसे बताया था 16162 के लेवल के नीचे अगर आता है तो फिर एक सेलिंग हमें मिलेगी। फिलहाल के लिए स्विंग सपोर्ट जैसे लेना था 3914 पे, वहाँ पे भी आज मार्केट सपोर्ट नहीं ले पाया, सी जाने की कोशिश की बट वहाँ से रिजेक्शन मिला, अंदर उसके पास जा ही नहीं पाया था फिलहाल के लिए। अब इसका जो अगला सपोर्ट है वो 15635 का लेवल बनता है एंड उसके नीचे एक स्विंग रिजेक्शन भी है जो कि 15431 का लेवल है, तो वॉचआउट कीजिएगा, लेवल टू लेवल पे कीजिएगा। राइट, चलिए देखते हैं आज के लिए जो स्टॉक्स तुमने क्या परफॉर्मेंस रहा, जिसमें से पहला था डाबर। सी डाबर में सेल ऑफ हुआ और अगर पाइथागोरस फॉलो किया होगा तो पक्का आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। सी यह हुआ सेल ऑफ, हुआ वर्टिकल सेल ऑफ, तो इसी में अगर एंट्री बनाई होगी इस अकाउंट को देख करके, वॉल्यूम को देख करके, तो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा आज आखिरी दिन आप लोगों ने डाबन में। अगला देखते हैं, अगला था पेज इंडस्ट्रीज। सी सेम चीज फॉलो हुआ है, ओके, और उसके बाद था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। देखा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था वो मल्टीपल रिजेक्शन के जोन के अंदर भी आ चुका है। सो अगला जो उसका सपोर्ट है वो 158.55 का और उसके नीचे 154.75 का और एक स्विंग रिजेक्शन नीचे मिलेगा 153.60 पे। तो फिलहाल के लिए एक बार के लिए वेट कर सकते हैं, अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है 169.30 का जो स्विंग लेवल है वहाँ से हो सकता है रिजेक्शन ले, ओके, और एक बार रिजेक्शन मिल सकता है 170.9 के लेवल पे, तो वॉचआउट कीजिएगा, लेवल टू लेवल पे कीजिएगा। इस मार्केट में पैसा बनता भी है लेकिन अकाउंट साफ होता भी है, तो बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड लेना ही लेना है, ओके, प्रिंसिपल बताना बहुत ज़रूरी है, इस बात पर एकदम ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए जो लास्ट स्टॉक था वो था टाटा स्टील। सी मैंने कहा था जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी नीचे क्लोजिंग हुई है एंड एकदम फॉलिंग नाइफ, इसका जो अगला सपोर्ट है वो 1066.05 का एक स्विंग लेवल है वहाँ पे है, तो वॉचआउट कीजिएगा, ओके। इसी पर टर्नल का रिजेक्शन लिया तो टेक्निकल 100% फॉलो करते हैं खुद को, तो वॉचआउट कीजिएगा, यहाँ एक बाउंस मिल सकता है या फिर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो अगला सपोर्ट नहीं है 1066 से लेवल पे, ओके। तो ये थे आज के लिए निफ्टी के लेवल्स और आज के जो चार स्टॉक्स हैं उनमें परफॉर्मेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करके बताऊँगा और कल के लिए निफ्टी के लेवल्स जिसमें हम कन्फर्मेशन के साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप योर प्रॉफिट्स इंटैक्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड यस, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू अवॉइड द ओवरनाइट ट्रेड्स फॉर द मार्केट कंडीशंस एज ऑफ नाउ। चलिए मिलते हैं।